नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रजनीश पाटिल में। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ पेज नंबर 110 ऑफ अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। तो चलो दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये अपन देखने जा रहे हैं। फिर हम लोग एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। सो 2019-20 इज अवर करंट ईयर, 2018-19 इज अ प्रीवियस ईयर, एंड 2020-21 इज नेक्स्ट ईयर। हमें करंट ईयर के ही इनकम और करंट ईयर के ही एक्सपेंसेस कंसिडर करने का है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट्स में जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैपिटल फंड देके रखा है, तो इसकी एंट्री नहीं होंगी। सब्सक्रिप्शन इज इनकम, एंट्रेंस फी रेवेन्यू बोला है तो ये भी इनकम है, लाइफ मेंबरशिप फीस रेवेन्यू बोला है तो ये भी इनकम है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर ऑब्वियसली इनकम है, एंड डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड इज लायबिलिटी। फर्नीचर इज असेट, मेडिसिन इज एक्सपेंसेस, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स इज एक्सपेंसेस। ऑनरेरियम इज नथिंग बट मानधन दिया है अपन ने, उनको सैलरी ना देते हुए कोई डॉक्टर अगर आते हैं अपने हॉस्पिटल में और कुछ उनकी सर्विसेज देके जाते हैं तो उनको एज ए टोकन ऑफ लव अपन देंगे अपनी तरफ से सैलरी के तौर पे ही एक ऑनरेरियम। सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज असेट, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक 31 मार्च 2020 को बनाया असेट है, क्लोजिंग बैलेंस ये भी आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के चला जाएगा असेट्स में। यहाँ देखेंगे दोस्तों, ओपनिंग बैलेंसेस देके रखे आपको और एक क्लोजिंग बैलेंसेस देके रखे हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाते हैं। अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था, आउटस्टैंडिंग हमेशा पीछे की ओर जाता है और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमेशा आगे की ओर जाता है। ये पीछे वाले क्या करेंगे अपन, पीछे वाले क्या कर देंगे हम लोग, यस बताएंगे दोस्तों, ये कर देंगे प्लस, ये कर देंगे माइनस, ये कर देंगे पीछे वाला यहाँ पे प्लस और ये वाला कर देंगे 9000 अपन माइनस, क्योंकि ये जो 9000 मिला हुआ है आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये 1/4/2019 में आउटस्टैंडिंग था, यानी ईयर के स्टार्ट में आउटस्टैंडिंग था, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, ये पिछले साल का लेना बनता था, यस, यानी ये आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ये 8000 रुपए आपको प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला है जो कि अपने को इस ईयर करंट ईयर का मिला था, और करंट ईयर में एडवांस मिला है, यानी ये कौन सी ईयर का मिला है आपको, नेक्स्ट ईयर का मिला हुआ है ये करंट ईयर एडवांस में, क्लियर। यही एडजस्टमेंट आपकी बहुत काम की है सब्सक्रिप्शन की। बिल्डिंग का ओपनिंग 13 लाख, क्लोजिंग 13 लाख, नो चेंज। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख, कैपिटल फंड 10 लाख 13 हजार, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा, बिल्डिंग फंड ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेशंस को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही आसान है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलो देखते हैं अपन किस प्रकार से करने का है आपको। तो इसको लेके रख दिया यहाँ पे मैंने फॉर योर सिंप्लिसिटी, ये रख दिया। और यहाँ पे भी अपन रख दिया इसको, तो चलो सबसे पहले हम लोग लेंगे सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट को डील करेंगे। आय सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे वैल्यू लेके आऊंगा मैं रिसिप्ट में से 1,03,000, मुझे 1,03,000 रुपए इस साल मिला, तो बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ नीचे एडजस्टमेंट में देके रखा है आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ऐड कितना करेंगे 10,000, लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 9,000, इसमें ऐड कर देंगे
एडवांस प्रीवियस ईयर 8,000 और इसमें से लेस कर देंगे एडवांस नेक्स्ट ईयर 6,000, प्लस माइनस कर देंगे 1,03,000, प्लस 10,000 माइनस 9,000 प्लस 8,000 माइनस 6,000 1,03,300 दिया है क्या? सो 1,03,000 प्लस 10,000 माइनस 9,000 प्लस 8,000 माइनस 6,000, तो ये आएगा आउटर में आपका 1,06,000 रुपया। क्लियर? वेरी नाइस। अभी दोस्तों इसमें से आपको समझने का है कि ये जो था आपका 9,000 रुपया, ये 9,000 रुपया जो है, ये 9,000 रुपया और ये जो 8,000 रुपया है, ये तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में आया होगा दोनों। ये 10,000 और 6,000 रुपया जो है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे आइटम। तो ये देखेंगे आपको 10,000 रुपया ये और ये 8,000 रुपया, इसका इफेक्ट देने का है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 10,000 रुपया, यानी हमको करंट ईयर का हमारे मेंबर से 10,000 रुपया लेना बनता है, यानी असेट्स में दिखा देंगे हम इसका इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 10,000 और हमें करंट ईयर में एडवांस मिला है 6,000 रुपया। एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिला है अपने को 6,000 रुपया, दैट इज अवर लायबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स। ये भी इफेक्ट हो गया आपका। चलो फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, बिल्डिंग लिख देंगे अपन। बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस भी है आपका 13 लाख, क्लोजिंग भी है 13 लाख, नो चेंज, एज इट इज आएगा आपका 13 लाख। ये फिर दे दिया। इन्वेस्टमेंट भी एज इट इज आ जाएगा दोस्तों आपका, उसमें कुछ एडिशन वगैरह नहीं है ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग इज 2 लाख एंड क्लोजिंग इज 2 लाख, कैपिटल फंड यहाँ लिख देंगे अपन इधर कॉलम में, इसमें एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, कुछ सरप्लस रहा तो ऐड होगा। और बिल्डिंग फंड भी लिख देंगे अपन यहाँ पे, बिल्डिंग फंड इनर कॉलम में लिख देंगे अपन 5 लाख रुपए। यानी ये सारे के सारे अपने इफेक्ट हो गए दोस्तों। अभी अपन इफेक्ट देंगे रिसिप्ट में, क्या क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट हो गया था अपना, एंट्रेंस फी रेवेन्यू इनकम में दिखा दो, बाय एंट्रेंस फीस 1,700, लाइफ मेंबरशिप फीस, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस 18,000, ये भी दिखा देंगे अपन इनकम में, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर 500, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे लायबिलिटी में, एड डोनेशन 1,50,000, आउटर में चला जाएगा आपका 6,50,000। अभी पेमेंट साइड के आइटम्स देखेंगे अपन, फर्नीचर इज असेट्स 27,000, वेरी इजी। मेडिसिन दिखा देंगे आप लोग एक्सपेंसेस में, 2 मेडिसिन्स
7,000 ऑनरेरियम टू डॉक्टर, एटी थाउजेंड सैलरी टू स्टाफ, फिफ्टीन थाउजेंड जनरल एक्सपेंसेस, सिक्सटी थाउजेंड एट थाउजेंड जनरल एक्सपेंसेस, सर्जिकल इक्विपमेंट इज 60,000, सर्जिकल इक्विपमेंट 60,000, फिक्स डिपॉजिट 80,000, कैश इज 5,500। सारे एडजस्टमेंट को भी इफेक्ट दे दिया अपने दोस्त। अभी हम डेबिट की इनकम और एक्सपेंडिचर की और क्रेडिट की टोटल करेंगे, सरप्लस है या डेफिसिट है फाइंड करेंगे। 7,000 प्लस 80,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 110,000। यस, और आपका यहाँ पे आएगा 1,06,000 प्लस 1,700 प्लस 18,000 प्लस 500 126,200। सो विच वन इज हेवियर? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड इज हेवियर। 126,200 126,200 यहाँ आएगा टू सरप्लस, क्रेडिट डाउन बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 126,200 माइनस 1,10,000। सोलह हजार दो सौ आएगा और ये जो है आपका ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड में। सरप्लस दस लाख तेरह हजार सोलह दो सौ जाएगा 10,29,200, 6,50,000 और 6,000। बैलेंस शीट आपका ये जो टैली होना चाहिए 1,658,200 पे। इधर का देखते भी 13 लाख प्लस 2 लाख प्लस 27,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000 प्लस 5,500। इधर का आ रहा है आपका 16,825,500। डिफरेंस आ रहा है 1,658,200। इधर अपने को 24,300 रुपीज का कुछ तो भी कम है आइटम। तो देखते हैं अपन अभी क्या है, तो कम आइटम किस कारण आ रहा है दोस्तों। कमी किस कारण से आ रही है? 2,13,00,000, 27,000, 60,000, 80,000, 5,000, 510,000 इधर का ठीक है। अभी आपका यहाँ पे 1,700 भी है, 18,000 भी, 500 भी, यहाँ पे भाई 7,000, 80,000, 15,000। एक लाख 3,000, 3,000 10,000 माइनस 9,000 प्लस 8,000 माइनस 6,000, 1,06,000 17,100
प्लस 18,000 प्लस 500 200। और इधर 7,000 है भाई, 80,000 है, 15,000 है, 8,000 है, 1,10,000, 2,600, 16,200 आ रहा ऑप्शन बराबर है। 10,13,000, 29,200, 6,000 प्लस 10,29,200, 10,50,000, 6,000, यार 16 लाख आ रहा अपना ये ऑलरेडी, 16,85,200 आ रहा था अपना, 16,85,200 माइनस 16,82,500, ये 2,700 से ज्यादा आ रहा है अपना ऑलरेडी, है 2,700 का डिफरेंस जो है दोस्तों, अगर आपको बताएंगे तो ये जो आपका रिसिप्ट है इसमें 2,700 का आपका डिफरेंस है दोस्तों, 12,000 प्लस 1,03,000 प्लस 1,700 प्लस 18,000 प्लस 500 प्लस 1,50,000, यहाँ की टोटल आती है आपकी इस साइड की 2,85,200, यानी यही टोटल आपकी 2,700 से ज्यादा आ रही इधर साइड की टोटल, इसलिए परेशानी हो रही, इसलिए वो हो रही आपकी परेशानी, माइनस 2,85,500, 2,700 के कारण डिफरेंस आ रहा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो है आपका लाइफ मेंबरशिप की, इसको 18,000 में से माइनस कर देंगे 2,700, और जो है वैल्यू वो ले लेंगे अपन, करेक्शन है यानी क्वेश्चन में आपका दोस्तों, 15,300 ले लेंगे अपन। तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो है उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 15,300। अभी अपन देखते हैं, 1,06,000 प्लस 1,700 प्लस 15,300 प्लस 500, तो ये आएगा आपका यहाँ पे 1,23,500, 1,23,500, 1,23,500 माइनस कर देंगे इसमें से 1,10,000, तो आपको दोस्तों यहाँ मिलेगा 13,500। सरप्लस कितना आएगा आपका, 13,500। अभी ये जो है 13,500 यहाँ हो जाएगा ऐड, प्लस 10,13,000 तो आएगा 10,26,500, 26,500 प्लस 6,50,000 प्लस 6,000 अभी आएगा 10,82,500। बोथ साइड टैलेट विच इज अदर माय डियर फ्रेंड्स, करेक्शन था क्वेश्चन में, ये मुझे पहले से पता था लेकिन आपको स्ट्रेस करना सिखाया मैंने, किस प्रकार से स्ट्रेस करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।